इसमें क्या करेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे वन वन है तो वन वन के लिए तो सभी ने कर दिया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन वन के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई रख देते हैं, हम दूसरा वेरिएबल लेकर चले थे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, वो भी ठीक है ना। एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू रखो तो फाइनल रिजल्ट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाए तो वन वन है, या एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई रखो फाइनल रिजल्ट एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए तो वन वन है। तो यहाँ पर एफ एक्स का मतलब टू एक्स और एफ वाई का मतलब टू वाई, टू से टू कट गया, एक्स इज इक्वल टू वाई, ये तो हो गया ठीक। अच्छा, उसके बाद जब ऑन टू की बात करते हैं तो ऑन टू में हमें क्या करना होता है, मैंने एक दो बच्चों के ना इसमें पेपर में रिमार्क भी दिया है कि आपको x निकालना है y के टर्म्स में, उल्टा करना है। यहाँ पर जो ये एफ एक्स दे रखा है यही y होता है, तो हम ये लिखेंगे y इज इक्वल टू टू एक्स। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं ये कहूँगा कि x इज इक्वल टू y अपॉन टू, x इज इक्वल टू y अपॉन टू। अब हाँ, विच डज नॉट बिलोंग्स टू, which does not belong to natural number for all odd numbers, for all odd numbers। अगर आप y odd number अगर आप लेते चले जाओगे तो odd number जो है, अब इसमें वही वाली कहानी है कि ऐसे कुछ बच्चों ने arrow diagram बनाकर जो समझाया है उससे भी correlate कर देते हैं इसको, कि इधर हमने लिया natural number 1 2 3 4 5 6 7 dot 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 ऐसे छोड़ दिया, ऐसे इधर ले दो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ऐसे छोड़ दिया। तब देखिएगा कि अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 अपॉन 2 वो नेचुरल नहीं है, 1 अपॉन 2 क्या हो गया 0.5, 0.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब 1 को इसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है। हाँ, 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 1 होता है, वो 1 यहाँ पर मौजूद है तो 2 को तो अपनी प्री इमेज मिल गई, ठीक है, 2 को तो प्री इमेज मिल गई। अब 3 अपॉन 2 1.5, 1.5 यहाँ पर है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि ऑन ऑड नंबर्स, all odd numbers in the codomain, second वाला set codomain कहलाता है, in the codomain do not find their pre-image in the domain, खत्म, बस ऐसे करके लिखना होगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा सा लिख कर समझाओ टीचर को, कि जैसे आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं ऐसे, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, ठीक है। चलिए जी, और किसी क्वेश्चन में जाना, जैसे ये अगला वाला भी था ना क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा कि शो दैट इट इज़ अ बाइजेक्शन, ठीक। और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 भी बाइजेक्शन ही है, उसमें क्या करेंगे ऑन टू वाला बता देता हूँ पर्टिकुलरली। अब देखिएगा ये एफ एक्स का मतलब हो गया भाई 4x³ + 7, तो ये हो जाएगा 4x³ = y-7 और x³ = y-7 upon 4 y-7 upon 4 की पावर में बैठती है, यानी कि क्यूब रूट, क्यूब रूट हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि जब हमारे पास y माइनस 7 अपॉन 4, जब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, हम इसका क्यूब रूट ले रहे हैं। हाँ, अगर स्क्वायर रूट होता तब तो मुझे सोचना पड़ता, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट, अगर ये y है, y की वैल्यू अगर मान लीजिए 7 से छोटी हो जाए तो ये नेगेटिव बन जाएगा नंबर, और नेगेटिव का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, लेकिन नेगेटिव का क्यूब रूट तो लिया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर आ जाए, y की कुछ भी वैल्यू हो, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब y कौन सा होता है जो कोडोमेन में होता है, तो इसका मतलब हर किसी को अपनी कोई ना कोई प्री इमेज मिलेगी, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे यहाँ पर एक लाइन लिख देनी है, फॉर
each value of y we will be able to find the cube root of y minus 7 upon 4. हम y minus 7 upon 4 का cube root find out कर सकते हैं for each value of y, ठीक है? So for all y belongs to R, there will be a pre-image. There will be a pre-image, so it is an orthogonal. अब इसी तरीके से ये ऑनटू का ये तरीका हो गया, तो इसको थोड़ा सा समझा देंगे। बस सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिख दी और बढ़ गया, ये थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेकर कुछ ऐसा कि आपने इलेबोरेट करा है, समझाया है। अगला देखिएगा, जो सेवन्थ वाला था, सेवन्थ वाले में भी मैं ऑनटू वाला पार्ट बता रहा हूँ। तो सेवन्थ वाले में जो हमको दो सेट दे रखे थे, फंक्शन दिया था एफ ए टू बी, फंक्शन दिया था ए टू बी। अब इसमें ए है आर माइनस थ्री, आर माइनस थ्री मतलब रियल नंबर में से थ्री को हटा दीजिए बस, और जो बी था वो क्या था, वो था आर माइनस वन, आर माइनस वन ए हो गया और बी हो गया हमारे पास। उसके बाद तो जितने भी x हैं वो तो इसको a सेट को बिलोंग करेंगे, और जितने भी y होंगे वो सारे के सारे b को बिलोंग करेंगे। यही तो डोमेन और यही तो कोडोमेन है, ये दे रखा है। तो अब देखिएगा क्या दिया रिलेशन, f x = x - 2 upon x - 3, x - 2 upon x - 3, तो f x मतलब y is equal to x - 2 upon x - 3। एक्स निकालना है वाई के टर्म्स में, पता नहीं किसी बच्चे ने ना करा भी था और करके फिर पता नहीं काट दिया, तुम्हें ने करा था क्या कि थोड़ा सा करा भी था, एक्स निकाल रहे थे, कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा भी था फिर काट दिया, या हाँ अच्छा या महिमा तुमने करा था ऐसा कुछ करके काट दिया था। आपको करना क्या है इसमें, आपको यहाँ पर ये करना है कि वाई इन टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये हो गया एक्स एड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब एक्स को इधर ले आओ, जो भी चीज़ मेरे को कैलकुलेट करनी है, मैं अब एक्स निकालना चाहता हूँ, तो एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, एक्स वाली टर्म्स ये हो गया एक्स वाई, और इधर प्लस का एक्स है, ये इधर ऊपर हो गया माइनस एक्स, माइनस थ्री वाई को उधर ले जाएंगे, ये हो गया थ्री वाई माइनस टू। अब यहाँ से एक्स ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, वाई माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। बस यहाँ पर ये लिख देते हैं वेयर वाई शुड नॉट बी इक्वल टू वन, वाई शुड नॉट बी इक्वल टू वन, बस वाई वन के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा एक्स नॉट डिफाइंड आ जाएगा। वाई अगर वन के बराबर हो गया तो वन माइनस वन जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो हमारी एक्स की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगी, ठीक है सर। वाई से और वो दे रखा उन्होंने कि वाई वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम ना लिखे तो भी चलेगा, ना लिखो नहीं लिख देता इसको, एक्स्ट्रा कुछ भी लिख दो कम मत लिखना, ठीक है। तो वाई नॉट इक्वल टू वन, और हमको कोडोमेन भी यही दे रखा है, तो हम ये कहेंगे कि कोडोमेन ऑल्सो सजेस्ट दैट, कोडोमेन ऑल्सो सजेस्ट दैट वाई इज नॉट इक्वल टू वन, सो फॉर each y belonging to r minus 1, r minus 1, there will be a pre-image, x मतलब pre-image ही होता है, there will be a pre-image belonging to r minus 3, belonging to r minus 3, तो कोई ना कोई आपको pre-image मिल ही जाएगी, ठीक है। तो जब
वाई वाला हर एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब वन टू है। इस तरीके से इसको करना, ठीक है भाई। और कहीं किसी में कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए जी। अब